जय हिंद, नमस्कार मेरे सर सैनियो लाडो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली आरपीएफ भर्ती को लेकर है, क्योंकि ये भर्ती काफी समय से नहीं है यार। बहुत सारे जो युवा है वो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। एक स्पेशली इसमें एज क्राइटेरिया के बारे में भी काफी बार बात कर चुके हूं मैं कि एज क्राइटेरिया नॉर्मली इसका होता है 18 से 25। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वैकेंसी अगर 5 साल से नहीं आई है तो क्या इसके एज में छूट मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं 100% मिलेगी। एज में जो बेसिक एज इसकी 18 से 25, हो सकता है कि ये एज 18 से 28 या 18 से 27 हो। इसकी एज में 2 साल या 3 साल की छूट मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये वैकेंसी पिछले 5 साल से नहीं आई। वैकेंसी अगर बात करें तो 2018 की ये वैकेंसी है, जो कि अभी तक अनकंप्लीट वैकेंसी है। 2018 में जब ये वैकेंसी आने वाली थी तब 9000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अब ये वैकेंसी अगर आएगी तो लगभग 18,554 पदों की ये वैकेंसी आने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये कब तक वैकेंसी आएगी। एक इसका सबसे ज्यादा जो इंतजार होता है इस भर्ती के आरपीएफ कांस्टेबल का, उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन मैं आपको बता दूं वो है इसकी हाइट क्राइटेरिया, यानी इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो। एक तो इसमें रनिंग का जो वैल्यू बहुत अच्छी होती है, यानी जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद रहती है। दूसरा, इसमें जो हाइट है, यानी जो बच्चे आर्मी से, एसएससी, जीडी से, दिल्ली पुलिस से हाइट की वजह से बाहर हो जाते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और लड़कियों की जो हाइट चाहिए वो 155 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर चाहिए। तो हाइट क्राइटेरिया की वजह से, दूसरा एज का जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से इस वैकेंसी का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, क्योंकि 18 से 28 साल हो सकता है इसका इस बार एज क्राइटेरिया रहे। अब बात आती है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, रेलवे इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको बताऊं कि 2018 में रेलवे ने इसके बारे में एक नोटिस जारी किया था, और उसके बाद में एक 2020 में भी नोटिस जारी किया था लॉकडाउन के समय, ठीक है। दोनों ही नोटिस जब उसने इस वैकेंसी के बारे में जारी किया तो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के साथ में एसआई की भी भर्ती दिखानी थी कि एसआई की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोनों की भर्ती साथ में होगी, लेकिन उसके बाद में ना तो उन्होंने डेट की अनाउंसमेंट दी है कि कब तक ये भर्ती होगी, कितने दिनों पर होगी, कितने पदों पर होगी। अब जो मैं आपको पद बता रहा हूं कि इतने पदों पर होगी, वो इस वजह से बता रहे हैं कि 2018 में जब ये वैकेंसी आने वाली थी 9000 कुछ पोस्ट पर आने वाली थी, अब 5 साल का समय हो गया। इसके दौरान कई रिटायरमेंट भी हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, रिटायरमेंट नहीं रुके हैं इसमें। लॉकडाउन के दौरान 2 साल रिटायरमेंट रोके गए थे, लेकिन अभी वापस निरंतर रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से कि ये वैकेंसी अब 18,000 से ऊपर पदों पर आने वाली है। अब किस महीने में आने वाली है तो मैं आपको बताऊं, अगस्त या सितंबर से पहले पहले ये वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। अगस्त के महीने में या सितंबर, जबकि आप अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर या साइटों पर या कहीं पर भी सर्च करोगे तो वहां पर इसकी नोटिफिकेशन की जो डेट है आपको जुलाई दी हुई मिलेगी कि जुलाई तक संभावित है कि ये वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जुलाई में तो बहुत कम चांसेस है इस वैकेंसी के, ये अगस्त सितंबर में ही इसकी नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, ये वैकेंसी आपको इस साल में 100% देखने को मिलेगी। लाडलो, जय हिंद जय भारत।